हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल एट आर क्लासेस तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो का थंबनेल देख कर समझ गए होंगे कि ये वीडियो पार्ट टू वीडियो है प्रियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर के तो इस वीडियो में आप लोगों को मॉडर्न प्रियोग टेबल के डिटेल्स में नॉलेज देने वाला हूँ अगर इससे पहले वाली वीडियो और इस वीडियो को आप लोग देख ले इससे पहले वाली वीडियो को देख लिए है अगर और इस वीडियो को अगर देख ले तो इस चैप्टर से यानी कि प्रियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से जो भी क्वेश्चंस आएंगे मुझे हंड्रेड एंड टेन परसेंट उम्मीद है कि आप उसका आंसर चुटकी में बता देंगे ओके तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिए क्लास टेंथ में जितने नॉलेज की ज़रूरत है इस चैप्टर के मैं पूरे नॉलेज देने की कोशिश करूंगा तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये है मॉडर्न प्रियोडिक टेबल ओके तो हम लोग जानते हैं कि मैंडलिव का प्रियोरिटी टेबल क्या हो गया फेल हो गया उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि बहुत सारी कमियाँ थी, बहुत सारी गलतियाँ थीं जैसे कि हाइड्रोजन को सही पोजिशन नहीं मिला पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ओके इसके अलावा उन्होंने डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया बहुत जगह और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेपरेट कर दिया था और उन्होंने क्या किया था उन्होंने अपने टेबल को अरेंज किया था डिज़ाइन किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के हिसाब से लेकिन आइस बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसके क्या है आइसोटोप है यानी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसके डिफरेंट एटम है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है जिसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं तो तो उन्होंने भरते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से एटॉमिक मास के हिसाब से सजाया लेकिन आइसोटोप को उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया उसके दिमाग में आइसोटोप था ही नहीं उसके बाद हाइड्रोजन है, के तीन आइसोटोप है वन एच वन वन एच टू वन एच थ्री तो पहले वन एच वन को रखना होगा उसके बाद वन एच टू को रखना होगा उसके बाद वन एच थ्री का थ्री को रखना होगा इसी तरह से कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन होता है तो कार्बन को तीन जगह मिलना चाहिए हाइड्रोजन को तीन जगह मिलना चाहिए तो इसी वजह से उनके टेबल को क्या कर दिया गया रिजेक्ट कर दिया गया एनी वे तो इसके बाद हनरे मोसले एक्सरेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स के जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है किस पे बेसिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट के डिपेंड करता है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है तो मैंडलिव का जो पीरियोडिक लॉ था वो एटॉमिक वेट पे था द फिजिकल एंड केमिकल प्रोपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्योरिक फंक्शन टू एटोमिक वेट एटमिक वेट पे था तो हैं ने देखा कि एटोमिक वेट पे एलिमेंट्स के प्रोपर्टीज डिपेंड नहीं करती है एटोमिक नंबर पे करती है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पे करती है तो हैंनरी मॉसलेन ने एक आ, ग्राफ तैयार किया फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर को लेकर के तो मैंडलिव के पीडिक लॉ के बाद आया मॉडर्न प्रियोडिक लॉ देखिए मॉडर्न प्रियोडिक लॉ तो मॉडर्न पीरियड लॉ क्या है इसको बताऊंगा मैं लेकिन जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉडर्न पीरियड टेबल है इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हेनरी मोसले का भी है और नील बोहर का है कोई बुक कहती है कि प्रियोडिक टेबल को दिया था हेनरी मोसले ने कोई बुक कहती है कि प्रियोडिक टेबल को दिया था नील बोहर ने तो मैं कहूँगा कि दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है हेनरी मोसले का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस प्रियोडिक टेबल के लिए और नील बोहर का भी रहा है तो अगर आपके बुक में नील बोहर का नाम है तो आप आंसर नील बोहर कीजिएगा या हेनरी मोसले है तो हेनरी मोसले कीजिएगा या आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है आप नील बोहर पढ़ के गए हैं आ गया है हंड्री मोसले तो हंड्री मोसले को आपको सेलेक्ट करना है टिक करना है राइट करना है ओके क्योंकि हंड्री मोसले का भी प्रियोग टेबल को देने में कंट्रीब्यूशन है डिज़ाइन करने में और नील बोहर का भी है तो दोनों को ही हम लोग क्या देंगे क्रेडिट देंगे प्रयोगिक टेबल का ओके दोनों ने ही तैयार किया है दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है ओके तो यह है मॉडर्न प्रयोग टेबल ये टेबल जो है एटॉमिक नंबर पे है एटॉमिक वेट पे नहीं है किस पे है एटॉमिक नंबर पे है तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को जानेंगे ओके तो देखिए द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीडिक फंक्शन टू दियर एटॉमिक नंबर यानी कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया जाए तो एक फिक्स इंटरवल के बाद पीरियडिक का मतलब समझ देना एक फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाई देंगे या ग्रेजुअल डिक्रीज दिखाई देंगे या उनके प्रॉपर्टीज़ में क्या होंगे रिपीटेशन होंगे यानी प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट होंगे ये है मॉडर्न पीरियडिक लॉ यानी कि एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होता है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब अगर एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाए तो एक फिक्स इंटरवल के बाद फिक्स इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज फिर से नज़र आएंगे या ग्रेजुअल इंक्रीज नजर आएंगे प्रॉपर्टीज में या ग्रेजुअल डिक्रीज नज़र आएंगे ओके यानी कि वैन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर फिक्स इंटरवल्स और वी सी अ ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स इंटरवल यानी कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए उनके इंक्रीजिंग उनके एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी या तो रिपीट होंगे या तो ग्रेजुअल इंक्रीज होंगे या तो ग्रेजुअल डिक्रीज होंगे ओके फिक्स इंटरवल के बाद तो मैंने बोला कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर पे है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर और मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल किस पे है बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट मेंडलीफ का ओके और ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और मेंडलीफ का इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ओके तो इस मॉडर्न टेबल में दुवादमे का कंट्रीब्यूशन रहा है एक हेनरी मोसले और एक नील बोहर तो मैं कहूँगा कि हंड्री मोसले और नीरभौर दोनों ने ही मॉडर्न प्रयोग टेबल को दिया है मॉडर्न प्रयोग टेबल का दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल जो मॉडर्न प्रयोग टेबल है इसमें सेवन पीरियड है मैंडलिफ के प्रियोग टेबल में कितने पीरियड थे सेवन मैंडलिफ के प्रियोडिक टेबल में भी मैंडलिफ के प्रियोडिक टेबल में भी सेवन पीरियड थे देखिए इसमें भी सेवन पीरियड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके तो मैंडलिफ के प्रियोडिक टेबल में भी, okay. तो भी सात पीरियड थे इसमें भी सात पीरियड है ओके मेंडलिव के प्रियोडिक टेबल में आठ ग्रुप थे लेकिन इसमें कितने ग्रुप है अठारह देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरह से कितना एटीन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि होरिजेंटल रोज को क्या कहेंगे पीरियड और वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहेंगे ग्रुप्स ओके तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड है कितने ग्रुप्स है तो पीरियड सेवन है ग्रुप्स एटीन है तो सेवन क्या है पीरियड्स है हॉरिजेंटल रोज को पीरियड कहेंगे एट्टीन क्या है ग्रुप्स हैं एटीन ग्रुप्स है वर्टिकल कॉलम को क्या कहेंगे ग्रुप कहेंगे ओके okay? अच्छा मैंडलिव के टाइम में नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी लेकिन जब हुई थी तो मैंडलिव के प्रेव टेबल में आठ ही ग्रुप थे एक ग्रुप को इंक्रीज कर देगा नाइन कर देगा और नाइन नाइन्थ ग्रुप में जो है क्या किया गया नोबल गैस को जब डिस्कवरी हुई नाइन्थ ग्रुप में यानी कि ग्रुप नाइन में रखी गई थी ठीक है जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई थी लेकिन इस मॉडर्न पीडियोड टेबल में नोबल गैस को यानी कि इनर्ट गैस को कहां पे रखी गई है ग्रुप नंबर 18 में ग्रुप नंबर 18 में देखिए हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेनन यह है नोबल गैस या इनर्ट गैस ठीक है ग्रुप 18 में रखी गई है अगर पूछा जाए कि मॉडर्न पीडियो टेबल में नोबल गैस को कहा रखी गई है या किस ग्रुप में रखी गई है तो ग्रुप नंबर 18 में ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप कहते हैं क्यों क्योंकि नोवल गैस की जो वैलेंसी होती है वो जीरो होती है इसकी कोई वलेंसी नहीं होती है ठीक है ये स्टेबल होता है इसकी कोई वैलेंसी नहीं होती इसी वजह से ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है ये राजा केन्द्र है ठीक है इसीलिए ग्रुप एट्टीन को जीरो ग्रुप कहते हैं फिर से बता रहा हूँ क्यों कहते हैं क्योंकि ग्रुप एट्टीन में नु... इनर्ट गैस यानी कि नोवल गैस को रखी गई है जिसकी वैलेंसी जीरो होती है इसीलिए ग्रुप एट्टीन को क्या कहते हैं जीरो ग्रुप कहते हैं ठीक है Okay. तो ग्रुप वन एंड टू को कहा जाता है एस ब्लॉक टेबल टेबल को जो है मॉडर्न मॉडर्नियोडिक टेबल को चार ब्लॉक में बांटा गया है चार सेक्शन में या चार ब्लॉक में एक का नाम है एस ब्लॉक दूसरा का नाम है डी ब्लॉक तीसरा का नाम है पी ब्लॉक और चौथा का नाम है एफ ब्लॉक देखिए ग्रुप वन और टू को कहेंगे एस ब्लॉक क्या कहेंगे एस ब्लॉक देखिए यहां पर मैं लिख लिया हूं ठीक है और ग्रुप थ्री से लेकर ग्रुप ट्वेल को कहेंगे डी ब्लॉक ठीक है अगर आपको बोले कि डी ब्लॉक किसे कहते हैं तो ग्रुप थ्री से लेकर ग्रुप ट्वेल्व आपको बोले अगर कि एस ब्लॉक किसे कहते हैं तो ग्रुप वन और टू को कहेंगे एस ब्लॉक ठीक है इसके बाद पी ब्लॉक ग्रुप थर्टीन से लेकर ग्रुप एट्टीन को ग्रुप थर्टीन से ग्रुप एट्टीन में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको बोलेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ठीक है तो ग्रुप थर्टीन से ग्रुप एट्टीन को कहेंगे पी ब्लॉक ठीक है और नीचे देखिए ये है एफ ब्लॉक ये क्या है एफ ब्लॉक एक्चुअली क्या है एटॉमिक नंबर 57 एक एलिमेंट है लेंथनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है लेंथनम के बाद चौदह ऐसे एलिमेंट मिले जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल लेंथनम की तरह थी तो जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी उसको एक ही ग्रुप में रखना होगा यानी कि लेंथनम के नीचे रखना होगा तो अगर हम लोग चौदह एलिमेंट्स को नीचे रखेंगे तो ये जो प्रियोरिक टेबल है इसका डिजाइन बदल जाएगा ठीक है यानी कि एक्सपेंसन होगा तो एक्सपेंसन को एवॉयड करने के लिए रोकने के लिए हम उन चौदह एलिमेंट को क्या किए हैं हम लोग हम तो नहीं किए ठीक है जो प्लेट टेबल के डिज़ाइन किए थे वो किए हैं उन चौदह एलिमेंट्स को उन्होंने यहाँ पे रख दिया है ठीक है लेंथनियम के बाद चौदह ऐसे एलिमेंट मिले जिनके प्रॉपर्टीज बिल्कुल लेंथनियम के तरह मिली ठीक है उसके बाद एक्टेनियम के बाद भी चौदह ऐसे एलिमेंट मिले जिनके प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक्टेनियम के तरह थे एक्टेरियम का एटमिक नंबर कितना है एट्टी नाइन एक्टेनियम के बाद भी चौदह ऐसे एलिमेंट मिले जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक्टेनियम जैसी थी ओके तो उनको एक्टेरियम के नीचे रखना होगा एक ही ग्रुप में रखना होगा तो प्रियोडिक टेबल क्या होगा एक्सपेंड एक्सपेंड हो जाएगा तो एक्सपेंशन को रोकने के लिए क्या किया गया उनको नीचे रख दिया गया तो लेंथेम के बाद जो चौदह एलिमेंट्स मिले उनको लेंथनियम के नीचे रखना होगा तो नीचे रख करके यहाँ पर रखे हैं ताकि एक्सपेंशन को अवॉइड किया जाए ओके तो लेंथनियम के बाद जो चौदह एलिमेंट्स यहाँ पर रखे गए इसको बोलेंगे लेंथनॉइड सीरीज क्या बोलेंगे लेंथनॉइड सीरीज तो लेंथेम के बाद तो चौदह ऐसे एलिमेंट मिले जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल लेंथनियम जैसी थी ठीक है तो उनको प्रयोग टेबल में नीचे रख दिया गया है जिसे हम लोग क्या कहेंगे लेंथनॉइड सीरीज कहेंगे एक्टेनियम के बाद चौदह ऐसे एलिमेंट मिले जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक्टेनियम जैसी थी उनको भी प्रयोग टेबल के नीचे रख दिया गया है जिसको हम लोग क्या कहेंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे जिसको हम लोग एक्टेनॉयड सीरीज़ कहेंगे ठीक है तो लेंथनॉइड सीरीज और एक्टेनॉयड सीरीज को मिला के बोला जाता है एफ ब्लॉक क्या बोला जाता है एफ ब्लॉक तो ग्रुप वन और टू एस ब्लॉक थ्री से लेकर ट्वेल्व डी ब्लॉक थर्टीन से लेकर एटीन पी ब्लॉक और लेंथनाइड सीरीज और एक्टिनाइड एक्टिनोइड सीरीज को बोला जाता है एफ ब्लॉक ओके तो ग्रुप वन एंड टू को कहेंगे एस ब्लॉक ग्रुप थ्री और ग्रुप थ्री से लेकर ट्वेल्व को कहेंगे डी ब्लॉक ग्रुप थर्टीन से लेकर ग्रुप एट्टीन को बोलेंगे पी ब्लॉक लेंथनॉइड सीरीज और एक्टीनोइड सीरीज को बोलेंगे एफ ब्लॉक लेंथनॉइड सीरीज स्टार्ट होता है सीरियम से जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 58 है और फिनिश होता है कहाँ पर ल्यूटियम पे जिसका एटॉमिक नंबर कितना है सेवेंटी वन तो अगर पूछा जाए लेंथोनाइट सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है तो स्टार्ट होता है सीरियम पे जिसका एटॉमिक नंबर फिफ्टी एट और फिनिश होता है लिट्यूशियम पे जिसका एटॉमिक नंबर सेवेंटी वन यानी कि लेंथोनाइट सीरीज़ जो है फिफ्टी एट से लेकर सेवेंटी वन तक होता है ठीक है इसके बाद एक्टीनोइड सीरीज एक्टोनाइड सीरीज स्टार्ट होता है थोरियम से जिसका एटॉमिक नंबर नाइन्टी ठीक है और फिनिश कहाँ पर होता है लोरेंशियम पे जिसका एटॉमिक नंबर 103, 103, यानी एटॉमिक नंबर 58 से 71 वन सीरीज एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 एक्टिनोइड सीरीज लेंथनॉइड सीरीज एक्टिनोइड सीरीज इन दोनों को लेंथनॉइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज इन दोनों को कहा जाता है एफ ब्लॉक ओके लेंथेम के बाद चौदह एलिमेंट्स ऐसे मिले जिनके प्रोवर्ट्स बिल्कुल लेंथनीयम जैसे थी उनको टेबल में नीचे जगह दी गई जिसे लेंथनॉइड सीरीज़ कहेंगे एक्टेनियम के एक्टेनियम के बाद चौदह ऐसे एलिमेंट मिले जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक्टेनियम जैसे मिली उनको टेबल में नीचे उनको भी प्रियोग टेबल में नीचे जगह दी गई उनको हम लोग क्या बोलेंगे एक्टेनॉइड सीरीज़ तो ये होगा लेंथनॉइड सीरीज लेंथनियम के बाद देखिए चौदह एलिमेंट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ठीक है ये हुआ लेंथनॉइड सीरीज और ये हुआ एक्टेनॉइड सीरीज एक्टेनियम के बाद चौदह एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी वाले मिले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ठीक है ये हुआ एक्टिनोइड सीरीज ओके तो अगर पूछा जाए कि लेंथनॉयड सीरीज किस एलिमेंट से स्टार्ट होता है सीरियम से, से फिनिश किस एलिमेंट पे होता है ल्यूटिशियम से ल्यूटिशियम पे अगर पूछा जाए एक्टिनोइड सीरीज कहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है थोरियम से फिनिश कौन से एलिमेंट पे होता है लोरेंशियम पे ठीक है एटामिन नंबर लेंथनॉइड सीरीज के स्टार्ट होगा 58 से और फिनिश होगा 71 यानी 58 से 71 वन लेंथनॉइड सीरीज और एक्टीनोइड सीरीज 90 से लेकर 103 ओके okay. तो लेंथनाइड सीरीज लेंथनम के बाद आते हैं एक्टिनॉइड सीरीज एक्टेनियम के बाद आता है लेंथनम का एटॉमिक नंबर है 57 और एक्टेनियम का एटॉमिक नंबर है 89 देखिए हम लोगों को डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में हम लोग को क्लास टेन में स्टडी नहीं करना है ये हाइयर क्लास में इसके बारे में स्टडी करना है तो हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे ओके डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को स्टडी नहीं करना है हाइयर क्लास में करना है एलिवेंट ट्वेल्व में ओके okay. तो ग्रुप वन टू थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन इनके एलिमेंट्स को कहा जाता है ग्रुप वन से लेकर देखिए वन से लेकर सेवेंटीन देखिए यहाँ पर बीच में ब्रेक हो गया थ्री से टेल्व थ्री से ट्वेल्व को क्या कहा जाता है डी ब्लॉक ठीक है तो डी ब्लॉक को पढ़ना नहीं है तो ग्रुप वन टू थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन इनके एलिमेंट्स को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ओके याद रहेंगे अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल देने बोले तो ग्रुप वन टू इसके बाद थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन सेवनटीन एटीन कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं आप हाइड्रोजन ले सकते हैं लिथियम ले सकते हैं सोडियम ले सकते हैं ब्रेलियम ले सकते हैं मैग्नीजियम ले सकते हैं ठीक है, है ना आप बोरॉन ले सकता है कार्बन ले सकता है नाइट्रोजन ले सकता है ऑक्सीजन ले सकता है सिलिकॉन ले सकता है फॉस्फोरस ले सकता है हीलियम ले सकता है नियोन ले सकता है मैं मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा लिथियम हो जाएगा सोडियम हो जाएगा मैगनीजियम हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा ओके okay? नियॉन हो जाएगा सोडियम नियन हो जाएगा आर्गन हो जाएगा ओके okay? ये सब होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स अब ग्रुप थ्री से लेकर ग्रुप ट्वेल्व इनके बारे हमको पढ़ना नहीं है लेकिन बस इतना जानना है कि ग्रुप थ्री से ग्रुप ट्वेल्व के एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप थ्री से लेकर ट्वेल्व के एलिमेंट्स को कहा जा जाता है क्या ट्रांजिशन एलिमेंट ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप थ्री से लेकर टूवेल्व ग्रुप थ्री से लेकर ट्वेल्व ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को कहेंगे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बस इतना जानना है ट्रांजिशन एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा देखिए जिंक हो जाएगा कॉपर हो जाएगा निकल हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा ठीक है एग्जाम्पल जिंक हो जाएगा निकल हो जाएगा कोबाल्ट Cob हो जाएगा इसके बाद आयरन कोपर हो जाएगा आयरन हो जाएगा ओके okay? सिल्वर हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा ये सब होगा ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जाम में आता है ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम बताइए अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो देखिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनको कहा जाता है यानी कि लेंथनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स को कहा जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर एग्जांपल देने बोले तो आप लिख सकते हैं सेरियम ल्यूटिसियम थोरियम लोरेंसियम ओके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम जैसे थोरियम ओके इसके बाद सेरियम ओके इसके बाद ल्यूटिसियम ओके इसके बाद लोरेंसियम ओके okay, ये हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तो अगर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम आए एग्जाम में तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम लिख देना है कोई भी ठीक है और अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम बोले तो जिंक निकल कोबाल्ट यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम लिखना है आपको और अगर बोले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक ग्रुप वन और टू को क्या बोलेंगे एस ब्लॉक एस ब्लॉक और ग्रुप थर्टीन से लेकर सिक्सटीन को क्या बोलेंगे पी ब्लॉक तो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के नाम एलिमेंट के नाम बता दीजिए लिख दीजिए ठीक है वो हो जाएगा क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए यहाँ पे जो कलर है कौन सा कलर है ऑरेंज कलर है अल्कली मेटल्स लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर है ऑरेंज कलर इसका मतलब ये क्या होगा अल्कली मेटल देखिए ये अल्कलाइन अर्थ मेटल येलो कलर में इसका मतलब ये येलो ये कलर है ये होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल ठीक है एग्जाम में आता है एक अल्कली मेटल के नाम बताओ तो देखिए ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर ये होगा अल्कली मेटल ठीक है ये फिर नहीं होगा हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन गैस है ये नॉन मेटल है अगर पूछा जाए कि के ग्रुप वन में कौन से नॉन मेटल को रख रखा गया है तो हाइड्रोजन को ठीक है हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है बाकी सब के सब क्या है मेटल है ठीक है हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज जो है ग्रुप वन से भी मिलती है ग्रुप नंबर सेवनटीन से भी मिलती है ठीक है इसके बारे भी हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है या लेकिन हाइड्रोजन को ग्रुप वन में ही रखा गया है ये प्रॉब्लम आज भी नहीं सॉल्व हो पाया है मैंने पहले ही आप पहले ही आप लोगों को बोला था पहली वाली वीडियो में कि हाइड्रोजन का पोजीशन मेंडिलिफ ने भूल कर दिया था सही पोजीशन हाइड्रोजन को नहीं दिया था लेकिन मॉडर्न मॉडर्न पीरियड टेबल में भी हाइड्रोजन को सही पोजीशन नहीं मिला है ठीक है तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मॉडर्न पीरियड टेबल में भी वो गलती है ही है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सही नहीं है ठीक है तो मॉडर्न पीरियड टेबल में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है किसी किसी बुक में देखिएगा पीरियड टेबल में कि हाइड्रोजन जो है सेंटर में यहाँ पर ऐसा करके दिया हुआ रहेगा ठीक है और ऐसा करके एरो लगा के ग्रुप वन के तरफ लेके जाएगा खींच के और ग्रुप सेवनटीन में क्यों क्योंकि हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज ग्रुप वन से भी मिलती है ग्रुप सेवनटीन से भी मिलती है ओके तो यहाँ पर जो कलर सब है ये कलर देखिए लेंथोनाइड सीरीज़ ये देखिए लेंथोनाइड सीरीज एक्टिनोइड सीरीज़ देखिए ये एक्टिनोइड्स एक्टिनोइड सीरीज ट्रांजिशन मिले मेटल देखिए ये ट्रांजिशन मिले मेटल नोबल गैस देखिए ये है नोबल गैस समझ में आ रहा है तो आप लोग मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग गूगल में जाइएगा और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लीजिएगा और देखिएगा कि कलर में कुछ लिखा हुआ रहेगा और वही वही कलर का एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा तो इसका मतलब जो कलर में लिखा हुआ रहेगा एलकली मेटल लिखा हो रहा है पिंक कलर दे करके तो पिंक कलर वाला आपको प्रियोग टेबल में मेटल मिलेगा अगर आपको लिखा हो रहा है नॉन मेटल येलो कलर में तो येलो कलर के प्रियो टेबल प्रियोग टेबल में देखेंगे येलो कलर के एलिमेंट क्या होगा नॉन मेटल ओके देखिए एक क्वेश्चन बार बार आता है एग्ज़ाम में कि एक ट्रांजरोनिक एलिमेंट के नाम बताइए ट्रांजिशन नहीं ट्रांजरोनिक ओके तो एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो भी एलिमेंट्स है उन्हें ट्रांजरोनिक एलिमेंट कहते हैं और ये एलिमेंट जो है अनस्टेबल होते हैं ट्रांजोरेनिक एलिमेंट एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं इसी वजह से इसमें रेडियो एक्टिविटी होता है ट्रांजोरेनिक एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यूरेनियम नेपचोनियम ओके अब आइए जानिए कि टिपिकल एलिमेंट्स किसे कहते हैं तो देखिए पीरियड थ्री के पीरियड थ्री देखिए ये है पीरियड थ्री सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन तो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन आर्गन को छोड़ करके पीरियड थ्री में जो सबसे पहले एलिमेंट है ये सोडियम है मैग्नीशियम है एल्यूमुनियम है सिलिकॉन है फॉस्फोरस है सल्फर है क्लोरिन है आर्गन है आर्गन को छोड़ करके जो सबसे पहले एलिमेंट है इन एलिमेंट्स को कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट्स क्यों क्योंकि ये एलिमेंट जो है अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है जैसे पीरियड थ्री में सोडियम है सोडियम के नीचे क्या है पोटासियम रोबेडियम सीशियम फ्रांसियम क्या है पोटासियम रुबेडियम सीशियम फ्रांसीम तो ये जो सोडियम है इन सभी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को इन सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं ये डिसाइड करते हैं यानी कि ये क्या है हीरो है ये सोडियम हीरो है इन सभी एलिमेंट्स के अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को ये डिसाइड करता है मैग्नीशियम के नीचे क्या है देखिए कैल्शियम स्टॉन्टियम बेरियम रेडियम तो कैल्शियम स्टॉन्टियम बेरियम रेडियम तो ये सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को डिसाइड कौन करता है मैग्नेजियम ठीक है यानी मैग्नेजियम क्या है हीरो है अपने ग्रुप के तो पीरियड थ्री के सभी एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स कहेंगे क्योंकि वो अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है ओके इसी वजह से हम लोग क्या कहेंगे इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहेंगे तो अगर टिपिकल एलिमेंट्स के नाम पूछे एग्जाम में आए तो आपको क्या लिखना है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूनियम सिलिकॉन फसफर सल्फर क्लोरिन यानी पीरियड थ्री एलिमेंट्स सिर्फ आर्गन को कुछ होकर ओके okay? अब आइए पता करेंगे कि हर एक पीरियड में कितने करके एलिमेंट्स हैं टोटल पीरियड टेबल में कितने पीरियड है सात वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितने पीरियड है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पीरियड है फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है एक दो देखिए दो एलिमेंट है एक दो तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है दो एलिमेंट है ओके okay? कितने दो एलिमेंट है सेकेंड पीरियड में कितना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सेकेंड पीरियड में आठ तो देखिए फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट होता है सेकेंड पीरियड में आठ होता है थर्ड पीरियड में भी आठ होता है गिन लीजिएगा ओके फोर्थ पीरियड में अट्ठारह होता है फिफ्थ पीरियड में भी अट्ठारह होता है सिक्स पीरियड में बत्तीस होता है सेवन पीरियड में भी बत्तीस होता है तो याद रखिएगा आप लोग दो आठ आठ आट, अट्ठारह आट, अट्ठारह बत्तीस बत्तीस यानी फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ठीक है तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है दो एलिमेंट है याद रखिएगा दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस ओके दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस अगर पूछा जाए फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है तो अठारह सेवन्थ पीरियड में कितने हैं बत्तीस और सेवन्थ पीरियड में जो बत्तीस एलिमेंट है इसको इनकॉम्प्लीट कहा जाता है इनकॉम्प्लीट पीरियड इनकॉम्प्लीट अगर पूछा जाए पीरियड टेबल के किस पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है पीरियड नंबर सेवन को क्या कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड और पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन है तो शॉर्टेस्ट पीरियड पीरियड वन है पीरियड वन में दो ही एलिमेंट है हाइड्रोजन हीलियम देखिए कितने एलिमेंट है दो ही हाइड्रोजन हीलियम ठीक है इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड यानी पीरियड वन पीरियड वन को क्या कहा जाएगा शॉर्टेस्ट पीरियड और अगर लॉन्गेस्ट पीरियड पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट पीरियड पीरियड सिक्स को भी कहा जाएगा पीरियड सिक्स एंड पीरियड सेवन पीरियड सिक्स एंड पीरियड सेवन इनको क्या कहा जाएगा लॉन्गेस्ट पीरियड ठीक है और सेवन्थ पीरियड को क्या कहा जाएगा इनकॉम्प्लीट पीरियड सेवन पीरियड जो है ये इनकॉम्प्लीट है ठीक है जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे नए नए वो कहाँ पे रखा जाएगा वेरी गुड पीरियड सेवन में अगर पूछा जाए कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उसको कहाँ पे रखा जाएगा उनको जगह कहाँ पर दी जाएगी तो पीरियड नंबर सेवन में ठीक है तो पीरियड नंबर सेवन को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है ठीक है अगर लॉन्गेस्ट पीरियड पूछा जाए तो ग्रुप सिक्स एंड सेवेंथ आज के डेट में ठीक है और शॉर्टेज पीरियड पूछा जाए तो ग्रुप वन को, कहा, जा, uh, sorry, को कहा जाता है सॉरी पीरियड वन को शॉर्टेज पीरियड कहा जाता है ओके तो अब आ जाइए ग्रुप्स में तो देखिए हम लोग देख लिए कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं ओके किस पीरियड को शॉर्टेज पीरियड कहेंगे किस पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड कहेंगे किस को इनकॉम्प्लीट कहेंगे कि, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं ये सब देख लिए अब आ जाइए ग्रुप्स में तो पीरियडिक टेबल में अठारह ग्रुप्स है पीरियड सात ग्रुप्स अठारह ठीक है तो ग्रुप वन को ग्रुप वन के एलिमेंट्स को कहा जाता है एल्कली मेटल्स ग्रुप वन में हाइड्रोजन को छोड़ करके हाइड्रोजन को छोड़ करके हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटल है हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैं सब के सब मेटल है ठीक है तो इन मेटल्स को कहा जाता है एल्कली मेटल्स क्योंकि ये मेटल पानी में क्या करता है अल्कली फॉर्म करता है यानी अल्कली पैदा करता है पानी के साथ ठीक है यानी बेस फॉर्म करता है या फिर अल्कली हम कह सकते हैं ठीक है थीके? तो पानी के साथ मिलकर के अल्कली पैदा करता है इसलिए इनको क्या कहेंगे अल्कली मेटल कहेंगे ठीक है तो ग्रुप वन के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कली मेटल एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा देखिए ग्रुप वन में क्या है लिथियम है सोडियम है लिथियम है सोडियम है पोटासियम है रुबेडियम है तो लिथियम सोडियम पोटासियम रुबेडियम ठीक है इसके बाद सीसीएम सी ओके ये सब हो जाएगा क्या अल्कली मेटल और ग्रुप टू के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल ये जो ग्रुप टू है ग्रुप टू देखिए ग्रुप टू है ग्रुप टू के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ओके तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनटियम बेरियम रेडियम ये सब क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनटियम इसके बाद बेरियम इसके बाद रेडियम ये सब क्या होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ओके तो ग्रुप वन के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कली मेटल्स ग्रुप टू के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अब इस देखिए यहाँ पर नाम में क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली की वजह से अल्कलाइन अर्थ क्यों क्योंकि ग्रुप टू में जो एलिमेंट्स है बेरियम मैगनीजियम मैग्नीजियम कैल्शियम स्टोनटियम ये एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाया जाता है इसलिए इसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए अर्थ नाम यहाँ पर आ गया ठीक है मेटल क्यों क्योंकि ये धात है इसलिए मेटल ओके okay, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल अब आ जाइए पी ब्लॉक में तो देखिए डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना नहीं है तो इसलिए पी ब्लॉक ठीक है डी ब्लॉक थ्री से लेकर ट्वेल्व ग्रुप तक ग्रुप थ्री से लेकर ग्रुप ट्वेल्व को कहेंगे डी ब्लॉक इसको छोड़िए आइए पी ब्लॉक में यानी ग्रुप थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन देखिए ग्रुप थर्टीन में सबसे पहले जो एलिमेंट है वो है बोरॉन इसलिए ग्रुप थर्टीन को कहेंगे बोरॉन फैमिली ग्रुप फोर्टीन में सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है कार्बन देखिए इसलिए ग्रुप फोर्टीन को कहेंगे कार्बन फैमिली ग्रुप फिफ्टीन में फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन इसलिए इसको कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप सिक्सटीन में फर्स्ट एलिमेंट है क्या ऑक्सीजन इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप सेवनटीन में फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोडीन इसलिए इसको कहेंगे फ्लोडीन फैमिली ओके ग्रुप एटीन में फर्स्ट एलिमेंट क्या है हीलियम ठीक है तो इसको हम कह सकते हैं हीलियम फैमिली हीलियम फैमिली तो ग्रुप एटीन में नोबल गैस को रखा गया है और इनर्ट गैस को रखा गया है. ठीक है नोबल गैस या इनर्ट गैस कह सकते हैं और ग्रुप एटीन को क्या कहते हैं जीरो ग्रुप क्योंकि नोबल गैस को ग्रुप एटीन में रखा गया है और नोबल गैस की वैलेंसी जीरो होती है इसलिए ग्रुप एटीन को जीरो ग्रुप कहेंगे ठीक है अब आप लोग याद रखिएगा कि ग्रुप सिक्सटीन को जो कहा जाता है इसका एक और नाम है इसको कहा जाता है चैकलोजन चेकलोजेंस ठीक है चैक्लोजेंस का मतलब क्या होता है ये ये और बनाएगा यानी कि ये मेटल के साथ रिएक्ट करके मिनरल बनाएगा और मिनरल जो मिनरल जिस मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन हो उसे हम क्या कहेंगे और कहेंगे ठीक है तो ग्रुप सिक्सटीन को कहा जाता है चैकलोजेंस क्या कहा जाता है चैकलोजेंस और ग्रुप सेवेंटीन को कहा जाता है फ्लोरिन फैमिली इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है हेलोजेंस हेलो जेंस हेलो ओके हेलो का मतलब होता है सॉल्ट मतलब नमक और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर पैदा करने वाला या बनाने वाला प्रोड्यूसर ओके okay. जैसे ग्रुप सेवनटीन में क्या क्या एलिमेंट है ग्रुप सेवेंटीन में एलिमेंट है देखिए ग्रुप सेवनटीन में फ्लोरिन क्लोरिन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन ये क्या करता है ये मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है ठीक है जैसे क्लोरीन है तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या करता है सोडियम क्लोराइड बनाता है जैसे क्या है ब्रोमीन है तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड बनाता है तो ये सब क्या है ये सब सॉल्ट है ठीक है तो ग्रुप सिक्स ग्रुप सेवनटीन को क्या कहा जाता है सॉरी सौ, मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर लिखना चाहिए देखिए ये हेलोजेंस तो ग्रुप सेवेंटीन के ग्रुप सेवेंटीन को कहेंगे हेलोजेंस हेलो का मतलब सॉल्ट जेंस का मतलब प्रोड्यूसर यानी सॉल्ट प्रोड्यूसर ठीक है यानी ये ग्रुप सेवनटीन में जो एलिमेंट्स हैं वो वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है सॉल्ट तैयार करता है जैसे के आ, सो, आ, सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्लोडिन सोडियम क्लोराइड क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सो, सोडियम ब्रोमाइड ठीक है अच्छा इसके बाद ग्रुप एटीन को क्या कहा जाता है जीरो ग्रुप मैंने बता दिया क्यों जीरो ग्रुप कहा जाता है ठीक है तो फिर से एक बार देख लेते हैं ग्रुप वन के एलिमेंट को कहेंगे अल्कली मेटल्स ग्रुप टू के एलिमेंट्स को कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप थर्टीन को कहेंगे बॉर्न फैमिली ग्रुप ग्रुप फोर्टीन को कहेंगे कार्बन फैमिली ग्रुप फिफ्टीन को कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप सिक्सटीन को कहेंगे चैक्लोजन या हेलोजन फैमिली ठीक है ग्रुप सेवनटीन को कहेंगे फोलोजिन फैमिली या फिर हेलोजेंस याद रखिएगा ग्रुप सेवन सिक्सटीन को चैकलोजेंस बहुत आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay? याद रखिए ग्रुप सेवनटीन को कहा जाता है हेलोजेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके ग्रुप एट्टी को कहा जाता है जीरो ग्रुप ठीक है क्यों कहा जाता है क्योंकि ग्रुप एट्टीन में जो भी एलिमेंट्स रखे क्योंकि ग्रुप एट्टीन में इनर्ट गैस या नोबल गैस को रखा गया है जिसकी वजह से जीरो होता है इसी वजह से ग्रुप एटीन को जीरो ग्रुप कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स देखिए पीरियडिक टेबल के ग्रुप वन में देखिए ग्रुप वन में क्या है हाइड्रोजन है, है लिथियम है सोडियम है पोटासियम है मैं यहाँ पर चार एलिमेंट को ले लिया हूँ हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम ठीक है हाइड्रोजन है? का एटमिक नंबर कितना है वन है ओके और लिथियम का एटमिक नंबर कितना है थ्री है ओके और सोडियम का एटमिक नंबर कितना है एलेवन है ओके okay? पोटासियम का नाइनटीन तो एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो जितना नंबर जितना प्रोटॉन होगा उतना क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो हमको के सेल में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसका एक ही सेल बनेगा ठीक है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो के सेल में दो और एल सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो के सेल में दो एल सेल में आठ दो आठ दस एम सेल में वन ओके okay? इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो दो आठ आठ कितना आठ आठ सोलह सत्रह अट्ठारह और एक उन्नीस ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि इसका एक ही सेल बना और लास्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल में यानी एक ही सेल बना इसका कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है इसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है इसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है इसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है ओके आइए ये ग्रुप वन के एलिमेंट है ग्रुप वन के एलिमेंट है ग्रुप टू के एलिमेंट को लेता है देखिए ग्रुप टू में क्या है बेरिलियम मैग्नीजियम कैल्शियम स्टोनियम तो मैं बेरेलियम मैग्नीजियम कैल्शियम को ले लेता हूं बेरेलियम मैग्नीजियम कैल्शियम बेरेलियम का एटॉमिक नंबर है फोर मैग्नीजियम का है ट्वेल्व कैल्शियम का है ट्वेंटी इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करें तो हमको मिलेगा टू टू ओके टू एट टू ओके okay. इसका मिलेगा टू एट एट टू तो देखिए ये ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं और ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं ठीक है थीके? तो ग्रुप वन के एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन मिला ग्रुप वन में है तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे वलेंस इलेक्ट्रॉन तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन मिला ग्रुप टू के एलिमेंट्स के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किए तो लास्ट सेल में कितने एलिमेंट सॉरी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन इसका भी दो इलेक्ट्रॉन इसका भी दो इलेक्ट्रॉन इसका भी दो इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप टू के एलिमेंट के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करते हैं तो लास्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन और ग्रुप वन के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करते हैं तो लास्ट सेल में वन इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने ग्रुप में होगा वो यानी कि लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप वन में होगा लास्ट सेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप टू में होगा ठीक है यानी के यानी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या कहेंगे वैलेंस उसको हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू होगा ग्रुप नंबर यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप ओके तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ग्रुप होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो ग्रुप वन के एलिमेंट होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर टू हो तो ग्रुप टू के एलिमेंट होगा ठीक है अच्छा अब हम लोग ले लेते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जैसे यहाँ पर क्या है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियन ठीक है तो बोरॉन क्या है ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियोन ओके तो बोरन का एटम नंबर कितना है फाइव कितना है फाइव इसका कितना है इसका है सिक्स इसका है सेवन इसका है एट इसका है नाइन इसका है टेन इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करें तो क्या हुआ दो कोमा तीन इसका क्या हुआ दो कोमा चार इसका क्या हुआ दो कोमा पाँच ठीक है इसका क्या हुआ दो कोमा छः दो छः दो आठ इसका होगा दो कोमा सात इसका होगा दो कोमा आठ ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो हम लोग लास्ट सेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिला तीन कितना मिला ध्यान से देखिएगा लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मिला तीन यहाँ पर लास्ट सेल में चार ये ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट है ये ग्रुप फोर्टीन के एलिमेंट है ये ग्रुप फिफ्टीन के एलिमेंट है ये ग्रुप सिक्सटीन के एलिमेंट है ये ग्रुप सेवनटीन के एलिमेंट है ये ग्रुप एट्टीन के एलिमेंट है ओके तो ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट के लास्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन इसका चार इसका पाँच इसका छः इसका सात इसका आठ तो देखिए लास्ट सेल में कितना मिला तीन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना तीन है तो ग्रुप कितना होना चाहिए थ्री होना चाहिए तो ग्रुप कितना थर्टीन वेलेंस वेलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चार है तो इसका मतलब ग्रुप कितना कितना होना चाहिए चार होना चाहिए ग्रुप फोर होना चाहिए लेकिन ग्रुप कितना फोर्टीन है इसका लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना पाँच तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाँच तो ग्रुप पाँच होना चाहिए लेकिन कितना फिफ्टीन है इसका मतलब क्या इसका मतलब अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एक और दो हो तो ग्रुप वन और टू होगा लेकिन अगर एक और दो से ज़्यादा हो यानी तीन हो चार हो पाँच हो तो हमको दस प्लस करना होगा क्या करना होगा दस प्लस करना है? दस प्लस तीन कितना हो जाएगा तेरह इस इस हिसाब से हमको मिलता है ग्रुप तेरह और इसमें दस प्लस करेंगे तो दस और चार चौदह इस हिसाब से ग्रुप चौदह दस प्लस पाँच कितना होगा पंद्रह यानी कि ग्रुप फिफ्टीन इसका मतलब अगर लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ग्रुप वन या ग्रुप टू होगा लेकिन लास्ट सेल में अगर तीन इलेक्ट्रॉन या चार इलेक्ट्रॉन मिलता है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तीन या चार मिलता है तो इसका मतलब क्या इसका मतलब कि वो ग्रुप थर्टीन होगा अगर थ्री मिले तो टेन प्लस कीजिएगा तो टेन प्लस थ्री थर्टीन ठीक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होगा ग्रुप नंबर लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री या थ्री से ज़्यादा हो तो टेन प्लस करना होगा ठीक है ना तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए थ्री हो जाए या मोर देन मोर देन थ्री हो जाए तो हमको क्या करना है हम लोगों को टेन प्लस करना है क्या प्लस करना है टेन ठीक है उसके बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा ग्रुप नंबर अच्छा ठीक है तो ये ग्रुप वन के एलिमेंट है ठीक है अच्छा ग्रुप वन के एलिमेंट के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मिला एक एक करके तो इसलिए ग्रुप वन लेकिन पहला जो ग्रुप वन में पहला जो आ, एलिमेंट है उसका एक एक ही सेल बना दूसरा एलिमेंट का दो सेल बना तीसरा एलिमेंट का तीन सेल बना चौथा एलिमेंट का चार सेल बना समझ रहे हैं इसका मतलब जितना सेल होगा उतना पीरियड होगा देखिए ये पीरियड वन में हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन कहाँ पर है पीरियड वन में है हाइड्रोजन पीरियड वन में है तो अगर एक सेल बने तो पीरियड वन अगर दो सेल बने लिथियम देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया तो कितना सेल बना दो सेल तो लिथियम पीरियड टू में है अच्छा सोडियम का तीन सेल बना तो सोडियम देखिए ग्रुप सॉरी पीरियड थ्री में तो जितना सेल बनेगा उतना पीरियड बनेगा ठीक है अच्छा बेरेलियम का देखिए कितना सेल बना दो सेल बना तो इसका मतलब बेरेलियम पीरियड टू से होगा यानी कि बेरेलियम पीरियड टू में होगा देखिए बेरेलियम कहाँ पे है पीरियड टू में ठीक है ना तो जितना सेल बनेगा उतना पीरियड होगा अच्छा मैग्नीशियम को देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया तो कितना सेल बना तीन सेल बना तीन सेल बना तो इसका मतलब पीरियड कितना होगा पीरियड थ्री होगा तो मैग्नीशियम देखिए पीरियड थ्री में पीरियड थ्री ओके अच्छा कैल्शियम का देखिए कितना सेल बना चार सेल तो इसका पीरियड क्या होगा फोर होगा जितना नंबर ऑफ सेल होगा उतना क्या होगा पीरियड होगा तो देखिए कैल्शियम पीरियड फोर में कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने से चार पीरियड मिला तो इसलिए कैल्शियम चार पीरियड में है इसका मतलब क्या कि जितना सेल होगा उतना पीरियड होगा जितना लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ग्रुप होगा लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन या तीन से ज़्यादा मिल जाता है तो दस प्लस करना होगा ठीक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप और नंबर ऑफ नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ पीरियड ओके उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा देखिए ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट जो बॉर्न है इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के तो कितना मिला लास्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन मिला तो दस प्लस करेंगे तो ग्रुप तेरह हो जाएगा लेकिन सेल कितना हुआ सेल कितना हुआ सेल दो हुआ तो पीरियड कितना हुआ पीरियड दो होगा बोरॉन देखिए सेकंड पीरियड में देखिए ये सेकंड पीरियड है ये देखिए बोरन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किए लास्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन मिला तो इसका मतलब दस प्लस करेंगे तो ग्रुप चौदह हो जाएगा सेल कितना हुआ दो सेल एक दो दो सेल बना तो ग्रुप सॉरी पीरियड टू में होगा जितना सेल होगा उतना पीरियड होगा तो बोरन देखिए सॉरी कार्बन ये कार्बन है कार्बन देखिए ये कार्बन किस पीरियड में है पीरियड टू में है अच्छा फ्लोडिन फ्लोडिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किए तो देखिए लास्ट सेल में सात इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर सेवेंटीन होगा दस प्लस करने से कितना सेल बना दो सेल बना तो पीरियड क्या होगा दो होगा तो फ्लोडिन देखिए ये फ्लोडिन है देखिए पीरियड टू में है ठीक है तो जितना सेल होगा उतना पीरियड होगा जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ग्रुप होगा लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन या तीन से ज्यादा हो जाए तो हमको क्या करना होगा टेन प्लस करना होगा ग्रुप निकालने के लिए तो अब आप लोगों को बताना है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है सत्रह इसका पीरियड और इसका ग्रुप बताना है तो इसका पहले क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो दो आठ दस दस और सात सत्रह कितना सेल बना तीन सेल बना तो पीरियड क्या होगा पीरियड थ्री होगा लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सात इलेक्ट्रॉन है तो क्या करना होगा दस प्लस करना होगा दस प्लस सात कितना हो जाएगा दस प्लस सात कितना हो जाएगा सत्रह यानी ग्रुप सेवनटीन हो जाएगा ग्रुप ग्रुप सेवनटीन हो जाएगा समझ गए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे एक एलिमेंट है जिसका एटीमेंट नंबर सात है इसका पीरियड और प्रियड नंबर और ग्रुप नंबर बताना है तो दो पाँच सात तो देखिए कितना सेल बना दो सेल तो पीरियड टू लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाँच तो दस प्लस करना है तो कितना होगा ग्रुप ग्रुप फिफ्टीन होगा ग्रुप फिफ्टीन ओके अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो दो आठ दस दस और आठ अठारह लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आठ दो आठ अठारह तो कितना सेल बना तीन सेल तो पीरियड थ्री ग्रुप कितना होगा लास्ट सेल में आठ इलेक्ट्रॉन है तो दस प्लस करना होगा दो से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा दस प्लस आठ अट्ठारह यानी ग्रुप ग्रुप एट्टीन हो जाएगा ग्रुप एट्टीन अच्छा इसका पीरियड और ग्रुप निकालेंगे तो दो आठ दस दस दो बारह तो कितना सेल बना तीन सेल बना तो पीरियड थ्री ग्रुप कितना होगा देखिए लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ग्रुप टू होगा अगर एक या दो इलेक्ट्रॉन हो तो वही ग्रुप होगा जितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना ही तो दो दो इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप टू होगा अगर दो से ज़्यादा हो तो दस प्लस करना होगा ठीक है तो अगर आपको बोले कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर एलेवन है बताइए इसका पीरियड क्या होगा इसका ग्रुप क्या होगा पीरियड बताना है ग्रुप बताना है आप लोग मुझे इसका आंसर में बताइएगा पीरियड क्या होगा और ग्रुप क्या होगा और एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर नाइन्टीन है इसका भी पीरियड और इसका ग्रुप बताना है आप लोगों को अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ट्रेंड्स इन मॉडर्न प्रयोगिक टेबल तो देखिए मॉडर्न प्रयोगिक टेबल में ये मॉडर्न प्रयोगिक टेबल है टॉप टू बॉटम आएंगे तो प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल क्या होगा डिक्रीज़ देखने को मिलेगा या ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिलेगा और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा कोई प्रॉपर्टीज घटेगा कोई घटेगी कोई प्रॉपर्टीज़ क्या होगी बढ़ेगी यानी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटल से नॉन मेटल मिलेंगे ठीक है टॉप टू बॉटर आएंगे बॉटम आएंगे तो नॉन मेटल से मेटल मिलेंगे यानी मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा टॉप टू बॉट बॉटम आएंगे तो और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा घटेगा ठीक है और टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा घटेगा तो हम लोग ट्रेंड्स देखेंगे ठीक है तो देखिए मैं ग्रुप वन के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख लिया हूँ ग्रुप वन में क्या है हाइड्रोजन है लिथियम है सोडियम है पोटासियम है ठीक है तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम को मेरे लिए आओ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना एक लिथियम का तीन सोडियम का ग्यारह पोटासियम का नाइनटीन ठीक है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो एक ही सेल बनेगा इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो पहला सेल में दो और दूसरा सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरेशन करेंगे तो पहला सेल में दो दूसरा में आठ तीसरा में एक इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो पहला सेल में दो दूसरा में आठ तीसरा में भी आठ चौथा में एक तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा इंक्रीज होगा अगर टॉप टू बॉटम आएंगे अगर टॉप टू बॉटम आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके देखे कि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज टॉप टू बॉटम क्या होगा टॉप टू बॉटम क्या होगा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा क्या होगा इंक्रीज होगा अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो देखिए सबके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके लास्ट में कितना एक है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा वैलेंसी तो देखिए सबके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी का मतलब क्या वैलेंसी का मतलब किसी एटम के वह इलेक्ट्रॉन जो लॉस करके स्टेबल हो जाता है या जो गैर गेन करके स्टेबल हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे वेलेंस कहेंगे उसे हम वैलेंसी कहेंगे तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए पहला सेल में दो ही चाहिए पहला सेल में दो ही चाहिए ठीक है ड्यूपलेट एक होता है एक होता है ऑक्टेट तो इस सेल में दो ही चाहिए तो तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लेगा अच्छा इस सेल में देखिए इस सेल में इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए पता है इसको सात इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये सात इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो जो इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा या जो इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ देगा स्टेबल होने के लिए उसको हम उसे हम क्या कहेंगे वायलेंस कहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करेगा स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी के लिए उसे हम क्या कहेंगे वैलेंस कहेंगे तो इसके वेलेंसी कितना होगा एक होगा ये सात इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए सात तो नहीं ले पाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लूज कर देगा ये भी क्या कर देगा लूज कर देगा ये भी क्या कर देगा लूज करेगा सात इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए तो सात इलेक्ट्रॉन तो हासिल करना मुश्किल है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो जितना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको क्या कहेंगे वैलेंस करेंगे तो इसके वायलेंसी क्या होगा एक होगा ठीक है तो यहाँ पर वायलेंसी सबके क्या होगा प्लस वन ओके तो यानी कि वायलेंसी क्या होगा सेम होगा वैलेंसी सेम ओके अच्छा आय आयोनाइजेशन एनर्जी तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल से एटम के आउटर मोस्ट सेल से लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी तो अब एक बात बताइए देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करके रखेगा अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हुआ ठीक है अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर में है प्रोटॉन न्यूक्लियस में है न्यूक्लियस से थोड़ा दूर में है तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर में है तो इसको अट्रैक्ट कम कर पाएगा अच्छा इसको इसको और भी अट्रैक्ट कम कर पाएगा इसको इसको और भी अट्रैक्ट कम कर पाएगा तो लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो रिक्वायरमेंट पड़ता है जो जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहा उससे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी तो आप बताइए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी क्या यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में उतनी एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी इसको हम लोग इजिली रिमूव कर सकते हैं आसानी से इस इसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूर में है और न्यूक्लियस यहाँ पर है न्यूक्लियस यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर पे है बहुत दूर पे है देखिए तो इसको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे है ना तो यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं हटा सकते हैं तो इसके लिए एनर्जी कम लगेगी इसके लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम आएंगे आयोनाइजेशन आएं एनर्जी क्या होगी घटेगी यहाँ पर आयोनाइेशन आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी इसको रिमूव करने के लिए इसको रिमूव करने के लिए कम इसको रिमूव करने के लिए और भी कम इसको रिमूव करने के लिए और भी कम तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे प्रोविट टेबल के तो हमको आयोनाइजेशन एनर्जी घटती हुई मालूम मालूम होगी ठीक है तो टॉप टू बॉटम आने से आयोनाइसन एनर्जी क्या होगा घटेगी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा घटेगी तो डिक्रीज ठीक है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको रिमूव करने के लिए कम क्योंकि ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है इसको रिमूव करने, करने के लिए और भी कम क्योंकि ये और भी दूर है इसको रिमूव करने के लिए और भी कम एनर्जी लगेगी क्योंकि ये और भी ज़्यादा दूर में है न्यूक्लियस से तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी घटेगी तो इसलिए डिक्रीज अच्छा इसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक साइज तो देखिए ऊपर से नीचे आने से एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है न्यूक्लियस से सेल तक इसको बोलेंगे एटॉमिक साइज ये होगा एटॉमिक साइज तो देखिए यहाँ पर दो सेल बना तो एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा यहाँ पर तीन सेल बना तो एटॉमिक साइज और भी ज़्यादा होगा यहाँ पर चार सेल बना तो एटॉमिक साइज और भी ज़्यादा होगा तो टॉप टू बॉटम आने से एटॉमिक साइज़ क्या होगा इंक्रीज होगा क्लियर है क्या टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा अच्छा इसके बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन खोने की सिलाहत को इलेक्ट्रॉन खो देते हैं जो उसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी यानी कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को खो करके पॉजिटिव हो जाएगा तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस होना लॉस करना चाहेगा वासेम इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस करना चाहेगा क्योंकि इसका दूर है इलेक्ट्रॉन ये जल्दी लॉस कर देगा और ये जल्दी लॉस नहीं करेगा ये और भी लेट से लॉस करेगा ये और भी लेट से तो जल्दी लॉस इलेक्ट्रॉन को कौन करना चाहेगा ये ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा ना ओके तो ये जो लॉस करना चाहेगा तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रो पॉजिटि इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या हुआ ज़्यादा होगा इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम हुआ इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और भी कम इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और भी कम यानी अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगा इंक्रीज़ होगा तो ये होगा इंक्रीज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का अपोजिट होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉनगेटिविटी का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत यानि केमिकल बॉन्डिंग में जो सीयर पेयड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रो निगेटिविटी तो यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करना अट्रैक्ट करना अपने तरफ ठीक है उसको हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर हम छोड़ दें तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या ये जल्दी खींचेगा या ये जल्दी खींचेगा या ये जल्दी खींचेगा बताइए तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है यहाँ पर होता है प्रोटॉन प्रोटॉन का चार्ज प्लस और इसका चार्ज माइनस तो ये जल्दी खींचना चाहेगा डिस्टेंस कम है और यहाँ पर न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन इसका चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव तो ये भी खींचना चाहेगा लेकिन इसका दूर में हो जाता है इलेक्ट्रॉन और इसका और भी दूर इलेक्ट्रॉन और भी दूर में यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है बाहर लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को उतने जल्दी खींच नहीं पाएगा क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूर दूर में है ठीक है तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से जल्दी खींच नहीं पाएगा नहीं यानी जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो अट्रैक्ट जल्दी कौन कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को ये क्योंकि इसका न्यूक्लियस पास है इसका एटॉमिक साइज कम है तो इसका इलेक्ट्रॉन पास में है तो ये आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है इसका दूर में है तो ये आसानी से नहीं कर सकता इसका और भी दूर है इसका और भी दूर है तो ज़्यादा अट्रैक्ट कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को ये और कम सबसे कम ये तो ऊपर से नीचे आने से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की ताकत क्या हो जाती है घट जाती है यानी ऊपर से नीचे आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा डिक्रीज होगा क्या होगा डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के टेंडेंसी सीयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो टॉप टू बॉटर आएंगे बॉटम आएंगे तो क्या होगा डिक्रीज होगा ओके okay? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा डिक्रीज होगा मेटालिक करेक्टर तो देखिए मेटालिक करेक्टर क्या होगा तो देखिए ऊपर से नीचे आने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है घटती है यानी इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसके और भी ज़्यादा क्योंकि पास में न्यू इसका न्यूक्लस पास में है इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि इसका न्यूक्लस और भी पास है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को कौन खोना चाहेगा ये ये आसानी से खो देगा तो जो जल्दी खो करके प्लस चार्ज बन जाएगा वही होगा अच्छा मेटल तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को ये खोएगा ये आसानी से लूज लूज़ कर देगा ये जल्दी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को तो जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ करके प्लस बन जाए जो एटम प्लस चार्ज वाला बन जाए आयोनाइज हो जाए वो अच्छा मेटल होगा तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने से क्या होगा मेटल की प्रॉपर्टीज़ बढ़ेगी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ये जल्दी लूज नहीं करेगा ये और भी जल्दी नहीं करेगा ये और भी नहीं करेगा समझे तो आसानी से लूज़ कौन करेगा ये तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके प्लस चार्ज बन जाएगा आसानी से या बहुत जल्दी या जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लूज़ करना चाहेगा वो क्या होगा अच्छा मेटल होगा जो जल्दी लूज करना चाहेगा या जो जल्दी लूज कर देगा वो अच्छा मेटल होगा तो ये जल्दी लूज कर देगा इसलिए ये क्या होगा बहुत ही अच्छा मेटल होगा ठीक है तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने से क्या होगा मेटालिक प्रॉपर्टी या मेटालिक करेक्टर क्या होगा इंक्रीज होगा तो ये होगा इंक्रीज ओके और नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा ठीक है अच्छा रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सिलाियत तो इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी छोड़ेगा ये क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा नहीं क्या ये करेगा नहीं क्या ये करेगा नहीं सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करेगा ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सिलाहित को हम क्या कहेंगे टेंडेंसी को हम कहेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा कौन ये ठीक है सबसे कम लूज करना कौन चाहेगा ये तो इसका मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आने से क्या हुआ इंक्रीज होगा क्या हुआ इंक्रीज होगा ठीक है इंक्रीज, क्लियर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के स्लैत को या टेंडेंसी को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी आ, क्या करेगा खींचना चाहेगा अपने पास लाना चाहेगा ये या ये या ये या ये, 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 ये तो जाहिर सी बात है ये क्योंकि इसका आइटम साइज छोटा है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपने पास में लाना चाहेगा तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगा डिक्रीज होगा ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाना चाहेगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की सिलाहत ठीक है खींच लेगा और ये आसानी से खींच नहीं पाएगा ये और भी नहीं खींच पाएगा ये और भी नहीं खींच पाएगा क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से हासिल नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन के हासिल करने की साहित को क्या कहेंगी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो आसानी से हासिल ये करेगा और ये आसानी से हासिल नहीं कर पाएगा इसका मतलब टॉप टू बॉटम आंसर क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगा डिक्रीज होगा क्या होगा डिक्रीज ओके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल क्या होगा इंक्रीज होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंसी सेम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज एटॉमिक साइज इंक्रीज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज और एक चीज याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा ये क्या होगा देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के टेंडेंसी को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन पा करके बहुत खुश हो जाए कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर रिलीज करता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओके तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा टॉप टू बॉटम आने पर तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहेगा ना ये तो ये जाहिर सी बात है तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा डिक्रीज़ होगा क्या होगा डिक्रीज ओके okay? इसका जस्ट ऑपोजिट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट ठीक है आइनेशन एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा इंक्रीज़ होगा लेफ्ट राइट ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट राइट right right क्या होगा डिक्रीज़ होगा ये इंक्रीज़ हो रहा है सॉरी डिक्रीज़ हो, 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 हो रहा <win> है तो इसका मतलब लेफ़्टाइट क्या होगा इंक्रीज़ होगा ओके ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ होगा डिक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ होगा इंक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ होगा इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज़ होगा डिक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ होगा डिक्रीज हो रहा है तो इनक्रीज़ होगा तो उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल समझ में आ गया होगा तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले बोला कि हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज जो है ग्रुप वन से भी मिलती है ग्रुप सेवनटीन से भी मिलती है ठीक है तो हाइड्रोजन को ग्रुप वन में रखा गया क्यों ग्रुप वन में ही रखा गया ग्रुप सेवनटीन में भी है। है? तो रख सकते हैं तो ग्रुप वन में क्यों रखा गया आइए रीजन जानते हैं देखिए ग्रुप वन में जो एलिमेंट है उसको एल्कली मेटल कहते हैं तो हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के तरह इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के तरह रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है ठीक है तीसरा रीजन ये है इसलिए ग्रुप वन में रखा गया हाइड्रोजन को कि एल्कली मेटल के, के तरह हाइड्रोजन के लास्ट सेल पर एक इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी प्लस वन जाहिर करता है वैलेंसी क्या जाहिर करता है प्लस वन वैलेंसी जो है प्लस वन जाहिर करता है और इसके अलावा एन ए प्लस के तरह एन ए प्लस के तरह एन ए प्लस के तरह हाइड्रोजन एक्वस सोल्यूशन में एच प्लस बनाता है जैसे सोडियम एन ए प्लस बनाता है तो हाइड्रोजन क्या बनाता है एच प्लस बनाता है इसी वजह से हाइड्रोजन को ग्रुप वन में रखा गया अच्छा हाइड्रोजन को ग्रुप सेवनटीन में क्यों जगह मिलना चाहिए क्यों ग्रुप सेवनटीन में उसको रख जगह देना चाहिए या क्यों उसको जगह मिलना चाहिए ग्रुप सेवनटीन में क्या रीजन है या क्यों ग्रुप सेवनटीन के प्रॉपर्टीज़ के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मिलती जुलती है तो देखिए इसलिए ग्रुप सेवनटीन के साथ मिलती है ग्रुप सेवनटीन को हम लोग कहते हैं क्या ग्रुप सेवनटीन को हम लोग कहते हैं हेलोजन्स ठीक है तो ग्रुप सेवनटीन के एलिमेंट जो है वो सॉल्ट प्रोड्यूसर है इसलिए तो उसको हेलोजन्स कहते हैं तो हेलोजन के तरह हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है इसलिए ग्रुप सेवनटीन में जगह मिलना चाहिए दूसरा रीजन ये है कि हेलोजन के, के तरह हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक मोलिक्यूल बनाता है हाइड्रोजन है, भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम के साथ क्या करता है मॉलिक्यूल बनाते हैं यानी एच टू ठीक है तो हेलोजन हा, की तरह हाइड्रोजन भी डाई एटोमिक मोलिक्यूल बनाता है तीसरा रीजन ये है इसलिए ग्रुप सेवनटीन में जगह मिलना चाहिए हाइड्रोजन को कि हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ठीक है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये रीजन वन रीजन टू रीजन थ्री हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी डायटोमिक मोिक्यूल बनाता है हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी कोवलन बॉन्ड बनाता है तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के थ्रू थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट